कोरोना महामारी संक्रमण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आम व्यक्ति के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी घबराया हुआ है। इन्हीं की हौसला अफजाई के लिए इंदौर के नवीन पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस जवानों और अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हुए दृष्टि बाधित बच्चों में गीत सुनाया। कोरोना संक्रमण महामारी का खतरा अभी कम नहीं हुआ और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस संकट के दौर में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के अधिकारी और जवान लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई के लिए इंदौर के आईजी ने संक्रमण काल के शुरुआती दौर से ही प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस के जवानों का मनोबल ना गिरे, और इसी के चलते इंदौर की विभिन्न संस्थाओं के लोग और बच्चे पुलिस के वायरलेस सेट पर प्रातः 11 बजे इनकी हौसला अफजाई के लिए गीत सुनाते हैं। आज इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में अनुमति विजन सेवा संस्थान की 4 दृष्टि बाधित बच्चों ने गीत गाकर ड्यूटी पर तैनात समस्त पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। संस्था के संचालक श्रीमती चंचल सालरिया ने कहा कि जब हमने बच्चों से गीत गाने की बात से कही तो वे काफ़ी खुश थे और उन्होंने कल रात को ही ये गीत तैयार किया और हमारे पुलिस महकमे के अधिकारी कर्मचारियों के लिए गीत गाया। मध्य प्रदेश में इस तरीके की पुलिस के जाबाज और कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की शुरुआत इंदौर से ही हुई है और अन्य जिले भी इसी तरह से अपने स्टाफ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन शहीदों के लिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई है और जो इस महामारी में हमारी सभी जनताओं की सेवा कर रहे हैं, उससे पहले कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर तो देखो, पता चलेगा हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। ये महामारी भी हमारे लिए एक युद्ध से कम नहीं है, ये भी एक युद्ध है जो हमारे लिए एक चुनौती बनकर आई है। हमें इस कोरोना काल को हराना है और ज़रूर हराएंगे और जीतेंगे भी। कभी ना भूली जाएगी ऐसी लिख गई कहानी, आ गया आँख में पानी करके आज कुर्बानी, करके आज कुर्बानी, आ गया आँख में पानी करके आज कुर्बानी, तुम्हारी करके आज कुर्बानी, कर गए जाफिदा तुम वतन के लिए, कर गए जाफिदा तुम वतन के लिए। और तिरंगा मिला है कफन के लिए, कर गए जाफिदा तुम वतन के लिए, कर गए जाफिदा तुम वतन के लिए। सारे देश में सबसे बड़े हो खुद तुमने दिखलाया, खुद तुमने दिखलाया, प्राणों की आहुति देकर तुमने देश बचाया, तुमने देश बचाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम अमर बलिदानी, आ गया आँख में पानी करके आज कुर्बानी, करके आज कुर्बानी, आ गया आँख में पानी करके आज कुर्बानी, तुम्हारी करके आज कुर्बानी। कर्ज तुम्हारा सिर है हमारे, नहीं चुकाया जाएगा, नहीं चुकाया जाएगा। भारतवर्षी युगो युगो तक वीरों का यश गाएगा, वीरों का यश गाएगा। आज तुम्हारे कारण है, आज तुम्हारे कारण है हम लोगों की जिंदगानी, आ गया आँख में पानी करके आज कुर्बानी, करके आज कुर्बानी, आ गया आँख में पानी करके आज कुर्बानी, तुम्हारी करके आज कुर्बान, कर गए जाफिदा तुम वतन के लिए, कर गए जाफिदा तुम वतन के लिए। नादिया, नादिया जी से बात कर रहे हैं आप लोग?
सॉरी आईजी साहब बात कर रहे हैं आप लोगों से, बोलिए। यस सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंचार्ज कंट्रोल रूम उनको सबसे बच्चों को नाश्ता कराई है अच्छे से, और इनके पेरेंट्स को मेरी तरह से धन्यवाद दीजिएगा। इतना अच्छी प्रस्तुति करी इनको इन्होंने, धन्यवाद। जय ये जो कोरोना महामारी है इसके संबंध में और जो अपने हमारे देश के वीर सैनिक और पुलिस डिपार्टमेंट डॉक्टर उन सभी के लिए जो इस महामारी में हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक गीत की प्रस्तुति दी है। फिर से आपका नाम बताइए। मेरा नाम नाजिया खान है। सर ये मैं सच कहूँ तो सिर्फ रात को मैंने तैयारी करवाई है ये, और सुबह थोड़ी सी एक बार तैयारी करवाई है। और दूसरा ये इनकी सोच इसलिए है कि आज 5-6 महीने से ये बच्चे भी इसी महामारी में सफ़र कर रहे हैं और ये संस्था में ही रह रहे हैं। इनको वो सारी गतिविधियों से हम अवगत करवाते रहते हैं कि इस समय क्या चल रहा है, न्यूज़ तो सुनते ही हैं, और जो लोग आते हैं स्टाफ है मैं इनको सब बताती रहती हूँ, और कैसे लोग इन इस महामारी से कैसे परेशान हो रहे हैं या क्या उनको परेशानी आ रही हैं। और सेकेंडली ये है कि इन बच्चों के मन में भी है कि नहीं हम जल्दी से, क्योंकि हमारी भी काफ़ी एक्टिविटी जो बंद हो चुकी है और आने जाने में भी प्रतिबंध है कि संस्था में भी कोई ज़्यादा लोगों को हम परमिशन नहीं कर रहे हैं, इन बच्चों को भी बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, स्पेशली आईजी साहब को और हमारे आरआई साहब जो हैं जिन्होंने इन बच्चों को प्रेरित, इनकी अच्छी प्रस्तुतियाँ देखकर उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ भी आइए और इन बच्चों की प्रस्तुतियाँ दीजिए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इन बच्चों को ये अवसर दिया। जय हिंद जय भारत। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।